नमस्कार, मैं हूं आदाब खान और आप देख रहे हैं जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज। आइए नजर करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। नरसिंहपुर स्टेशन थाना पुलिस ने किसी अपहरी वारदात को अंजाम देने की नियत से घूम रहे ऋषि पटेल नाम के युवक को मुखबिर की सूचना पर पकड़ा है एवं तलाशी के दौरान आरोपी युवक के पास एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक दो अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है जिनकी जानकारी पकड़े गए आरोपी से पूछताछ के दौरान मिली है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं। थाना क्षेत्र में बस स्टैंड रेलवे स्टेशन की कॉम्बिंग सर्चिंग हेतु आदेशित किया गया था। उसी तारतम में कल सर्चिंग की जा रही थी तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक मयंक होटल रेलवे स्टेशन के पास में एक व्यक्ति काले रंग का बैग पकड़ा हुआ है, उसके में एक कोई अवैध हथियार रखा हुआ है। इसी सर्चिंग में जो है फोर्स पहुंची वहां पर तो वो देखकर और सीधे रेलवे स्टेशन नंबर एक में पहुंचा, जहां पर पूरे बंडल के साथ पहुंचकर और एक एक की सर्चिंग की गई, जिसमें आरोपी ऋषि पटेल से एक देसी कट्टा और उसकी एक जिंदा कारतूस बरामद की गई। और भी आरोपी हैं। पूछताछ में पता चला कि पूछताछ में बताया कि वो जो कट्टा है उसको नारायण पटेल और एक काशी विश्वकर्मा है, दो लोगों ने उसको बेचा था। कहाँ की? काशी विश्वकर्मा जो है अपना साकल रोड कोतवाली में रहता है और नारायण पटेल जो है वो थाना कैंडी के अंतर्गत आता है, वहाँ पर रहता है, जिसमें दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नरसिंहपुर से राजेंद्र भैयू मिश्रा की रिपोर्ट।